ले आइयो माँ शक्ति। आज से अध्ययन चित्रण कुमार क्रमांक 869, दिन शनिवार, तारीख 24 फरवरी 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री एस के कोरी साहब, जो रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से हैं। और आज आपका विषय है, वो है ज्योतिष का जीवन यात्रा में योगदान, पार्ट 3। इससे पूर्व भी 2 पार्ट ले चुके हैं, अब ज्यादा समय लेते हो। आदरणीय कोरी साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय कोरी साहब। धन्यवाद। एक्चुअली अभी तक हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी के जो 4 पिलर्स हैं उनका पहले पिलर के बारे में बात की थी पिछली बार, जिसे हाउस कहते हैं। 4 पिलर्स हैं, हाउस, साइन, प्लेनेट एंड नक्षत्र। किसी भी बिल्डिंग के फॉर्मेशन के लिए ये पिलर्स की आवश्यकता है, जरूरी है। तो उस कंडीशन में हाउसेस के बारे में ये बात हो गई थी कि हाउसेज हमें ये बताते हैं कि हम क्या क्या करना चाहते हैं। हाउस जो है वो ये बताते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे फर्स्ट हाउस है, अपने बारे में है। रिलेशंस के बारे में अगर हम ले लें तो फर्स्ट हाउस हमारे बारे में है, सेकंड हाउस जो है फैमिली के बारे में है, थर्ड हाउस सिबलिंग्स या सिस्टर्स ब्रदर्स के बारे में है, फोर्थ हाउस मदर के बारे में। ऐसे ही जीवन के कई पोर्टफोलियोज हैं, वो उनमें जो है ये आप देख सकते हैं कि हर हाउस जो है वो जीवन के डिफरेंट डिफरेंट आयामों को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें ये तो पता चल गया कि हाउस जो है वो ये है। सपोज कर लीजिए कि हमें पता चल गया कि सेकेंड हाउस हमारे परिवार का है, पर परिवार के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन और मिल सकती है कि हमारे परिवार के लोग कैसे हैं, क्या हैं, किस तरीके के हैं, उनका नेचर क्या है। बेसिकली साइन जो होता है वो हमें बताता है कि नेचर क्या है, उसका मैनर ऑफ वर्किंग क्या है। तो ये साइन जो है वो हमारे 12 हैं और हर मंथ के हिसाब से हैं, और ये एरिस से यानी मेष से लेकर मीन तक के 12 साइन हैं। इनका हम आज ज्योतिष से सिर्फ एक ग्लिम्प्स लेंगे और उसका हम यूज के ऊपर ज्यादा जाएंगे, जो हमें अपने को समझने के बारे में या किसी को भी समझने के बारे में इनका क्या उपयोग हो सकता है, वो मेरा मेन मकसद है, न कि ज्योतिष को एक्सप्लेन करना। तो अब उसको जाने बगैर पहले आगे नहीं हम लोग बढ़ सकते। तो पहला ये इसका जो है प्रोसीजर वो ये है कि हम इन इन सभी को जो है वो जान लें कि वो है क्या बेसिकली। तो फर्स्ट साइन जो है वो साइन जो है ये फर्स्ट साइन कैसे बने और इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ उसको जरा हम ये पूरे तरीके से देख लेते हैं। साइन में जब हम देखते हैं कि हमारे 7 ग्रह हैं बेसिकली, सन से लेकर के और सैटर्न तक 7 हैं, और 2 जो है छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। उनकी बात मैं बाद में करूंगा, पहले ये 7। साथ में सभी जो है किसी न किसी देवता या ईश्वर से रिलेटेड है। जैसे सन जो है वो हमारा है, सूर्य जो है वो हमारी आत्मा है। आत्मा का जो एस्ट्रोलॉजी में संबंध है कि इट इज द कॉज ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। जैसे कि कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, अगर उसमें बैटरी नहीं है तो चाहे जितना भी अच्छा सर्किट है वो नहीं चलेगा। इसी तरीके से बॉडी हमारा एक मान लिया कि सर्किट है बॉडी, इसमें हमारी जो पावर है वो हमारा सन है यानी सूर्य है। सूर्य को जो है हम ये इसको शिव रूप मानते हैं। सूर्य जो है वो शिव रूप एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है सूर्य। फिर सूर्य के साथ में जब अगला दिन आता है संडे के बाद मंडे, तो मंडे जो है यानी चंद्रमा, तो चंद्रमा हमारा मन है। अगर सूर्य ने हमें बीजारोपण कर दिया तो उसको फ्रक्टिफाई कौन करेगा, और हम बीजारोपण कहाँ करेंगे, तो वो चंद्रमा है। चंद्रमा हमें समझिए आज के जमाने की हार्ड डिस्क है, जिसके ऊपर हमने डाटा डाला है, डेटा हमारा उसके ऊपर लगा हुआ। तो चंद्रमा हमारा मन है, और देवताओं में या ईश्वर में इन्हें पार्वती स्वरूप कहा गया। तो ये पार्वती स्वरूप है, ये एक एक्चुअली अर्धनारीश्वर रूप है। सन और मून ये दोनों इनसेपरेबल हैं, कभी अलग नहीं होता। तो ये जो है सन और मून इकट्ठे हुए हैं।
पांच और चार, पांच जो है फिफ्थ जो लियो है, लियो सन को रिप्रेजेंट करता है और मून कैंसर को रिप्रेजेंट करता है। मून जो है वो कैंसर साइन को रिप्रेजेंट करता है, तो सन और मून जो ये है। तो इसके बाद में सूर्य के बाकी अब ग्रह जितने हैं उनके सबके दो दो साइन है, क्योंकि ग्रहों का संबंध जो है वो आपके पृथ्वी तत्व से है। तो पृथ्वी तत्व के अगर हमारा संबंध होता है तो उसमें जो है दो पक्ष होते हैं, गुण और दोष, ये दो तरीके के उनके रूप होते हैं। तो इसी तरीके से हर ग्रह के दो साइन है। पांच साइन को आप यहां से लीजिए, इसके एक तरफ आप चले जाएं लेफ्ट साइड में 6 7 8 9 10, और दूसरी तरफ चले जाएं डिक्रीज करते हुए 4 3 2 1 12 11। तो ये जो है अगला आता है हमारा मरकरी। मरकरी ग्रह के दो साइन है, एक जैमिनी है और एक है विर्गो। मरकरी हमारा गणेश स्वरूप है, तो सन और मून ये अर्धनारीश्वर है, उनके तरफ मरकरी जो है ये परिक्रमा लगा रहा है। तो माँ मात पिता की जो परिक्रमा कर रहे हैं वो गणेश जी कर रहे हैं। तो इनके गणेश जी के दो ट्रेट्स हैं, एक जैमिनी ट्रेट है और एक ट्रेट है विर्गो का। विर्गो मतलब 6 नंबर का और जैमिनी मतलब 3 नंबर का। इनको मैं एक एग्जाम्पल चार्ट से इसको करने के बाद में आपको बताऊंगा कि हम कैसे जान सकते हैं कि इसका ट्रेट क्या है। तो यहां पर जब 3 नंबर है तो वो कम्युनिकेशन का है, ट्रेवल एंड कम्युनिकेशन का साइन, और 6 नंबर है वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने का है, यानी विघ्नहर्ता। 6 साइन जो है विघ्नहर्ता, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्वर, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटर भी, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्वर सॉल्वर भी। इसके बाद में 2 और 7 ये शुक्र के हैं घर, यानी टॉरस, वृष राशि और तुला राशि, ये शुक्र के हैं। वृष और तुला में बहुत फर्क है। वृष राशि 2 नंबर है। जब हम पूरे शरीर को 12 पार्ट में ऊपर से नीचे तक डिवाइड कर दें तो पहला पार्ट हमारा ये हो गया सर का, दूसरा पार्ट हमारा ये आ गया माउथ का, और ये, और ऐसे ही नीचे तक चले जाएंगे तो 12 तक हमारे पैर आ जाते हैं। तो जब 2 नंबर क्या है, 2 नंबर हमारा माउथ है, यानी कि चीजों का जो इनग्रेस करना, किसी चीज का इनग्रेस। देखिए माउथ से हम खाना लेते हैं, नोज से हम एयर ले रहे हैं, आंखों से हम सीन देख रहे हैं, मतलब है सारी जो चीजें बाहर की हैं उनको ग्रहण करने का माध्यम, ये जो है ये 2 नंबर है, यानी वृष राशि। तो जहां पर भी आपके हॉरोस्कोप में वृष राशि है वहां से आप जो है वो चीजों को ग्रहण करते हैं, उन चीज मतलब है कि इस संसार से उन चीजों को ग्रहण करते हैं। और 7 नंबर की राशि जो है वो हमारी जननेन्द्रिय को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर जितना भी है काम है और इस तरीके की जितनी भी है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से 1 और 8 ये मंगल के हैं। 1 जो है मेष राशि है, मेष राशि जो है वो बहुत ही एनर्जी की भरी हुई है, जिसे हम कहें एक बंदर है, और वो एनर्जी इतनी है कि वो क्विकली जो है जहां भी होगा रैश एंड क्रैश, ये इसके ट्रेट है मेष राशि के। हम सारे ट्रेड से एक एक करके लेंगे। और स्कॉर्पियो जो है यानी वृश्चिक राशि, वो जो है वो एनर्जी को अंदर दबा के रखता है और जब मौका आएगा तब तो वो स्पोर्ट करेगा। तो जहां पर भी 8 साइन होता है तो वहां पर जो है आदमी अपने अंदर दबा के चीजें रखता है और एन मौके आने पर उस पर अटैक करता है। जैसे इसका साइन है बिच्छू स्कॉर्पियो का, तो बैठा रहेगा बैठा रहेगा, जब मौका मिलेगा डंक मारेगा। इसी तरीके से 2 साइन है बृहस्पति के, 9 और 12, और 11 और 10 जो हैं वो शनि के हैं। अब हम एक एक करके साइन को आते हैं कि एरिस साइन आखिर क्या कहता है। एरिस जो है पहला साइन है, ये शिव की जो एनर्जी का प्रतीक है, क्योंकि पहले जो है ये पृथ्वी जो है एक अग्नि का गोला थी और उसका विस्फोट हुआ और उसके बाद में ये पूरा ब्रह्मांड बना। प्रलय के बाद में जो भी कंस्ट्रक्शन की शुरुआत है वो एरिस से हुई, यानी मेष राशि से हुई। तो उस कंडीशन में इसके कुछ गुण ये हैं कि इसने क्या किया कि एनर्जी टू मैटर, हमारी एनर्जी है उसको मैटर में कन्वर्ट करना, ये काम है एरिस का।
तो अब इसमें देखिए कि और एनर्जी के लिए जो भी संसाधन है उन सबको ढूंढना भी इसी का काम है। तो एरिस साइन जहां पर प्रोफेशन की बात आती है तो आग से संबंधित, जमीन में जितने भी हमारे कोल वगैरह है या मिनरल हैं निकालना, इंडस्ट्रीज जहां पर जो है एनर्जी का प्रयोग हो रहा है ज्यादा, वो सारी चीजें यहाँ पर है। ये कहता है क्विक, बहुत तेजी से चलने वाला, इन टू आउट, अंदर से बाहर की तरफ, रैश और हाई एनर्जी इसके अंदर है। इसमें इंपल्स होती है, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बहुत एनर्जी है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हाई एनर्जी। अब ऐसी चीजों का प्रयोग भी बहुत होता है। सपोज कर लीजिए कि जो हमारे बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में जो जिसमें जाते हैं जिसमें शॉर्ट ड्यूरेशन के गेम्स होते हैं और उनमें हाई एनर्जी चाहिए, जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, 40-45 मिनट के गेम हुए, तो उन कंडीशंस में जो है उन्हें एनर्जी हाई चाहिए और शॉर्ट ड्यूरेशन के गेम्स हैं, तो उनकी स्किल इन चीजों में बहुत होती है, उनकी स्किल्स इन चीजों में। तो हम हाउसेस से समझ करके कि अगर हमें देखना है कि उसका जो है स्पोर्ट्स के हाउस जो है वो जो उसको मैं देखें, अगर ये साइन पड़ जाता है तो इसके मतलब है कि वो इस चीज में उसमें जो है क्वालिटीज उसके अंदर काफी अच्छी होगी उसके अंदर। दूसरा स्ट्रेंथ में वाइटैलिटी है, फाइटिंग स्पिरिट है, क्विकनेस इन एक्शन और रिस्क टेकर है, जो फास्ट ड्राइविंग करते हैं जैसे ड्राइवर्स वगैरह हैं। थर्ड हाउस में यहाँ पर अगर एक नंबर आ जाए तो ड्राइविंग जो है वो पर्सन की बहुत फास्ट होती है, वो डरता नहीं है फास्ट ड्राइविंग करने में। और अगर यहीं पर दूसरा साइन और हो जाए तो उसके ट्रेट अलग हो जाएंगे। हाउस यही है ड्राइविंग का, परंतु इसमें ये नंबर चेंज होने से हर 2 घंटे पे ये नंबर चेंज होता है, क्योंकि 24 घंटे में 12 साइन चेंज हो जाते हैं, तो हर 2 घंटे पे ये नंबर चेंज होता है, तो उसके जो है ट्रेट्स दूसरे तरीके के आएंगे। वीकनेसेस क्या है? रैश, इंजरी प्रोन, ब्लंट, अनफिनिश्ड वर्क, काम थोड़ा किया छोड़ दिया, लैक ऑफ पेशेंस, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, और करेक्शन इसको चाहिए कि फ्रीक्वेंट चेंज सब्जेक्ट्स। ऐसे बच्चे अगर स्टडी हाउस में पढ़ गया तो कोई भी सब्जेक्ट एक ज्यादा देर तक नहीं पढ़ पाते, उनको जो है वो चेंज चाहिए, इमीडिएटली चेंज चाहिए थोड़ी देर बाद। अब दूसरा आता है 2 नंबर, 2 नंबर है इसको, नंदी है, ये शिव का नंदी है और बुल है, और हम सब जानते हैं कि वृषभ जो है ये राशि है, तो उसका नेचर क्या है कि एक जगह बैठा है तो बैठा ही रहेगा, वो आसानी से हिलेगा नहीं जब तक कि उसके ऊपर पुश न लगाया जाए, और वो किसी को तंग नहीं करेगा, उसके अंदर पेशेंस बहुत है, क्योंकि एक जगह बैठा है तो बैठा ही रहेगा। तो अब ऐसे बच्चे जिनके लग्न में टॉरस है वो क्या करते हैं कि वो बहुत शांत प्रकृति के होते हैं, एक जगह उनको धैर्य से बैठा दीजिए, काम कर लेंगे। दूसरा साइन जो है ये पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है, यानी ये बच्चे कुछ न कुछ जो है जैसे क्ले मॉडल है, ये है, ये ऐसी चीजें लेकर के उनको बनाते रहेंगे, कुछ न कुछ करते रहेंगे, इस तरीके के एक जगह पे ही बैठना इनका मेन मकसद है। पर एक निगेटिव क्वालिटी भी होती है कि अगर आपने वृषभ को छेड़ दिया तो फिर वो छोड़ता नहीं, वो बहुत ही जो है उग्र हो जाता है, तो ये इन लोगों को जो है इनके धैर्य की एक सीमा होती है, उस सीमा को कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात है कि एक जगह बैठा चीजों को पकड़े रहता है, पजेसिव है, मतलब चीजों को पकड़े रहना। अब अगर यही चीज जो है वो सपोज कर लो कि चौथा हाउस ये हमारे जमीन जायदाद का है, यहां पर 2 नंबर पड़ गया तो इसके मतलब है कि उस वो जो है जमीन जायदाद को पकड़े रहेगा, वो जो है किसी भी सूरत में जो है अगर कोई ऐसी भी सिचुएशन आ गई तो उसको जो है वो सेल करने के मूड में नहीं रहेगा कभी, क्योंकि वो पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। और अगर बहुत ज्यादा पृथ्वी तत्व तो इसके अंदर आ जाएगा तो फिर तो लालच भी बढ़ जाता है, तो वो अगर इसका राहु के साथ संबंध हो गया तो फिर वो लालच की तरफ बढ़ता है, 2 नंबर के साथ राहु का संबंध हुआ तो फिर पैशन ग्रीडी हो जाता है। और इसमें जो अब आते हैं हम, तीसरा है जेमिनी,
जैमिनी मिथुन राशि, मिथुन राशि के डुअलिटी होती है। नारद ऋषि कम्युनिकेशन के हैं, कभी यहाँ कहाँ अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे जहां मूवमेंट कर लेंगे। तो ये जो है डुअलिटी वाले, इनके आप नेचर देखिए कि आपको एक चिड़िया को आप देखिए तो वो आपको सारा नेचर इनका समझ में आ जाएगा। सिंपल सी चिड़िया को देखिए, एक ब्रांच में बैठी फिर इधर आ जाएगी, फिर इधर चली जाएगी, फिर इधर आ जाएगी, मतलब रेस्टलेस, एक जगह से दूसरी तक। ये कम्युनिकेट करते हैं, बहुत ज्यादा क्लेवर होते हैं। और ये जो है ये शेयर करते हैं चीजों को काफी हद तक, और इनके अंदर रेस्टलेसनेस होती है, वो जानने की बहुत इच्छा होती है, किसी भी चीज को जानने की, कुरेदने की इच्छा होती है। अब अगर यहाँ पर जो जानने का हाउस होता है वो थर्ड हाउस होता है, आप क्या जानना चाहते हैं, आपके अंदर जानने की उत्सुकता है कि नहीं, जिज्ञासा जिसे कहें वो है या नहीं है। तो अगर जैमिनी साइन तीसरे घर में पड़ जाता है तो इसके मतलब आप बहुत अच्छे जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं, और अगर यहीं पर दूसरे हों तो उनका नेचर कुछ दूसरे तरीके का हो जाए। इनका जो है इंक्लिनेशन होता है वो पॉजिटिव में क्यूरियस है, सोशल है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, और वॉक एंड टॉक, ये कोई भी काम करेंगे या पढ़ेंगे तो किताब या नोट्स लेकर के मूव करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, एक जगह बैठ के नहीं पढ़ सकते काम ज्यादा देर तक, इन्हें इंस्टांसेस चेंज करने, अपने इंस्टांसेस चेंज करने पड़ते हैं बार बार। और इस वजह से अगर बहुत ज्यादा ऐसा होता है तो इनको सक्सेस जरा आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि इनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। कैंसर साइन, कैंसर का मतलब ये पार्वती है, ये माँ पार्वती है, और मदर के जो क्वालिटी होती है वो सारी कैंसर की क्वालिटी है, केयरिंग, नर्चरिंग एंड प्रोटेक्टिंग, ये तीन बेसिक क्वालिटीज हैं माँ की, वही है कैंसर साइन। आपका जहां भी कैंसर साइन पड़ा आप उसके लिए बहुत प्रोटेक्टिव केयरिंग होंगे। सपोज कर लीजिए किसी जातक का या किसी भी नेटिव का ये कैंसर साइन जो है वो पांचवें हाउस में यहाँ पर पड़ गया, चार नंबर यहाँ पर आ गया, इसके मतलब वे कि वो अपने पुत्र के लिए बहुत केयरिंग होगा कि ये पुत्र का हाउस है। नवा हाउस है फादर का, तो यहाँ पर अगर आ गया तो फादर के लिए बहुत केयरिंग हुआ। तीसरे साइन पड़ गया, तीसरी हाउस में ये चार नंबर आ जाए तो वो अपने भाई बहनों के लिए बहुत केयरिंग होगा, प्रोटेक्टिंग होगा। तो इस तरीके से जो, अब अगर एक पहले हाउस में आ गया तो इसके मतलब अपना सेल्फ, सेल्फ के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, एक लेयर अपने ऊपर बना करके रखता है कि कोई भी एडवर्सरी आए तो उसके लिए तैयार रहता है। और ये साइन जो है इसका लॉर्ड जो है चंद्रमा है, तो वो स्थिर होता ही नहीं है, प्रत्येक दिन जो है वो घटता बढ़ता रहता है, और उसके हिसाब से इनका जो है ये हमेशा मूवमेंट पे रहते हैं, इन्हें ट्रेवलिंग पसंद होती है, ये जल जल तत्व है, तो जल तत्व होने की वजह से इनको जो है वाटर से एफिनिटी होती है, पानी से बहुत होता है, और पानी की वजह से, अब जब पानी इनके होता है तो बॉडी में, ये फर्स्ट हाउस बॉडी को जताता है, तो पानी भरना, वाटर बॉर्न डिजीजेस, फैटनेस, ये ओबिसिटी, ये सारी प्रॉब्लम ये इनके प्रोन होता है, इनको पॉसिबिलिटी होती है कि वेट गेन कर लेने की। ये जो है एनवायरनमेंट डिपेंडेंट होते हैं, जरा सा भी मौसम बदला तो सर्दी जुकाम बुखार इनको तुरंत पकड़ लेता है, तो आसपास के जो वातावरण से वो इमीडिएटली प्रभावित होते हैं। और इन्हें जो है अपने पार्टनर की बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है, वो कारण मैं आगे बताऊंगा क्यों, क्योंकि अब इनके जनरली कैंसर साइन वाले जितने भी जातक हैं उनकी मैरिड लाइफ में उनके हस्बैंड की उन्हें बहुत ही केयर करनी पड़ती किसी न किसी रूप में। लियो साइन जो है ये हमारा किंग का साइन है, राजा का साइन है, तो ये जो लियो साइन है वो बेसिकली शिव का साइन है, शिव स्वरूप है, और ये जो है राजा का काम ये है कि पावर, कमांड एंड अथॉरिटी, तो जहां पर भी ये लियो साइन पड़ेगा वहां पर जो है पर्सन अपनी अथॉरिटी शो करता, वहां कंप्रोमाइज आसानी से नहीं करता। और अगर यही मैरिज हाउस में पड़ जाए लियो साइन, तो वो जो है
उसका हस्बैंड जो है या उसका पार्टनर जो है वो कंप्रोमाइजिंग नहीं होता, कंप्रोमाइजिंग नहीं होता, वो किंग की तरह अपने को समझता है। अब अगर ये 5 साइन यहां पर पड़ जाए, तीसरे हाउस में पड़ जाए, तो भाई बहन जो है उनको अपने को किंग समझते हैं। तो ये जो है इनके ये लक्षण है, ईगो इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है और एक तरीके से इनका थोड़ा सा डिटैच्ड एटीट्यूड, क्योंकि इनका रूलर है सन। सन ये चाहता है कि मैं आत्मा की तरफ जाऊं, क्योंकि हमारा बेसिकली क्या पूरी लाइफ का मोटो क्या है कि हमारी आत्मा के ऊपर जो भी आवरण है उन्हें हटाना है। और सूर्य तड़पता है कि हम अपनी परमात्मा से मिले जाकर के आत्मा। तो इसलिए जो सन जहां पर है वो आप समझिए कि वो आपका पावर स्टेशन है। जिस भी घर में सन बैठा है वो आपका पावर स्टेशन है, कंट्रोलिंग स्टेशन है, और आपका मेन एम है कि उस घर से जो भी चीजें ऊपर आएंगी उनको हटा लेना, हटा करके और खत्म करना, ये मकसद इस जीवन का है बेसिकली। आप पॉजिटिव क्वालिटी में जेनरस है, वार्म हार्टेड है, क्रिएटिव है, ब्रॉड माइंडेड है, एक्सपेंसिव एंड फेथफुल है, और निगेटिव में जो है बॉसी है, इंटरफेयरिंग है, इंटॉलरेंट है। अब आता है छठा हाउस, छठा नंबर, इसे कहते हैं विरगो। विरगो जो साइन होता है वो जो ये है कन्फ्लिक्ट का सॉल्व करने वाला साइन, मतलब है प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ द लाइफ, डेली रूटीन, एनालिटिकल, मेथोडिकल एंड ओवर कॉन्शियस। और विरगो जो है वो अकाउंटिंग्स, जितने भी अकाउंट्स के वो बेसिकली है, उनका विरगो बहुत स्ट्रांग होता है। वो अकाउंट्स का, क्योंकि अकाउंट्स वालों का काम ही है फॉल्ट फाइंडिंग बेसिकली, तो वो जो है वो साइन। दूसरा है फॉल्ट फाइंडिंग में आते हैं डॉक्टर्स भी, किसी तरीके की फॉल्ट फाइंडिंग, पुलिस वाले भी आते हैं जो आपके चोर और उनको पकड़ते हैं, डकैट्स वगैरह को, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने, बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्वर्स जितने हैं, प्रॉब्लम क्रिएटर जितने हैं, वो सब इस साइन के अंदर आते हैं। और इनके अंदर मैकेनिकल स्किल बहुत अच्छी होती है। इन पर्संस में जो विर्गो स्ट्रांग है, 6 मतलब नंबर जिनका स्ट्रांग है, वो स्ट्रेंथ निकालना तो अलग मेथड है एस्ट्रोलॉजी का, उसका यहाँ जिक्र नहीं करेंगे, परंतु जिसका 6 साइन स्ट्रांग है वो डेफिनेटली जो है वो आपको मैकेनिकल स्किल उसके अंदर बहुत अच्छी होती है। वो छोटी छोटी चीजों में जो है गड़बड़ी निकालने की कोशिश करता है। जैसे सपोज कर लीजिए कि फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस हमारा घर है, यहाँ पर 6 नंबर बढ़ जाए तो इसके मतलब है घर की हर चीज में जो है वो एनालिसिस करनी शुरू कर देता है कि ये फ्रिज यहाँ क्यों रखा है, ये चीज यहाँ क्यों रखी है, इसको यहाँ से हटा दो, इसको इधर रख दो, ये सारी चीजों का वो इसमें करना शुरू कर देता है। इसके बाद में आता है ये जो है अगर 10th हाउस में पड़ जाए तो अपने सुपीरियर से, अपने बॉस से, या प्रोफेशन वाले हाउस में, तो वहां पर प्रोफेशन वाली जगहों पर इनकी कन्फ्लिक्ट होती रहती है, हमेशा किसी न किसी से भिड़े रहेंगे हमेशा। तो इनको एक दूसरी पॉजिटिव क्वालिटी ये है कि ये हॉर्टिकल्चर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, मतलब पेड़ पौधों और इन सब चीजों से जो इनको बहुत प्यार होता है। अब इसके बाद आता है लिब्रा। लिब्रा साइन जो है वो तुला है, यानी बैलेंस बनाना। तुला में क्या है कि एक साइड में हमारी आर्टिकल्स होती हैं, दूसरी साइड में वेट होते हैं, पार्ट होते हैं, तो इनमें बैलेंस बनाना। तो जहां भी लिब्रा साइन है इसके मतलब है कि वो पर्सन उस हाउस से कंसर्न मैटर्स में रेजर एज पे है, उसे वहां बैलेंस बना करके रखना पड़ेगा। सपोज कर लो फोर्थ हाउस में, यहाँ पर चौथे घर में 1 2 3 4, ये चौथा घर हुआ, यहाँ अगर 7 साइन नंबर पड़ जाए तो इसके मतलब है कि वो घर में उसे बैलेंस बनाने के लिए, रखने के लिए बड़ा कोशिश करनी पड़ती है, माँ से बैलेंस बनाना, खासतौर से माँ का भी है हाउस है, तो बैलेंस बनाने के लिए वो जो है उसके ऊपर टेंशन रहता है, क्योंकि उसके दोनों तरफ जो है वो इस तरफ जो है वेट है और इस तरफ जो है आर्टिकल है, तो वो बैलेंस बनाने के लिए। सातवें हाउस में पड़ जाए तो अपने स्पाउस से बैलेंस बनाने के लिए बहुत उसे कोशिश करनी पड़ती है। और ये सेंसिटिव टू एवरी चेंज, जरा सा चेंज होता है बहुत सेंसिटिव होता है, जैसे देन तराजू में जरा सा अगर आपको में आर्टिकल ज्यादा हो गई तो खटाक से जो है उसको हटाओगे, फिर बैलेंस करोगे बराबर करने के लिए, तो जरा सा भी चेंज होता है तो वो
माइंड ओवर एक्ट रिएक्टिव, ओवर रिएक्टिव। इसके बाद में आता है स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक, ये आठवां साइन है, आठ नंबर। हमारी दो आंखें हैं, एक दो नंबर की और एक आठ नंबर की। दो नंबर की बाहरी आंख और आठ नंबर की इनर आई, अंदर की आंख, जो अंतर चक्षु जिसे कहें, वो है आठ नंबर यानी वृश्चिक। जहां भी वृश्चिक राशि है उस घर के मैटर में आपकी अंतर्दृष्टि बहुत ही स्ट्रांग है। आप समझिए कि उस घर के मैटर्स में आप सर्विलेंस कैमरा हैं, आप सब कुछ देख लेते हैं जो दूसरे नहीं देख सकते। तो ये जो है, इनका प्रयोग बहुत होता है। जब प्रोफेशन हाउस में चले जाते हैं तो वहां इनका फॉरेंसिक साइंसेज में है, सीआईडी में है, इंटेलिजेंस में है, जहां पर इनको इस तरीके की चीजों की आवश्यकता होती है कि चीजों का कैसे हुआ, क्या हुआ, वो जानने की जरूरत होती है, उन मैटर्स में होती है। और बहुत अच्छे लॉयर्स भी जो हैं वो इसको, उनके उनके लिए भी ये साइन बहुत स्ट्रांग है, जो जो किसी भी क्रिमिनल केसेस में, खासतौर से क्रिमिनल लॉयर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा साइन है। यहाँ पर जो है ये साइन जो है, इसमें एनर्जी छिपी होती है और ये किसी वक्त भी एक्सप्लोड कर सकती है। तो इसलिए जो है इस साइन को, में दूसरा ये है कि ये साइन एक्चुअली ईर्ष्या भी वो करता है, ईर्ष्या का को भी जन्म देता है, क्योंकि कोई ग्रज जो है उसके अंदर भर जाता है, धीरे 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 करके पाइलअप होता है ग्रज, और वो पॉइजन होता है। बिच्छू का मतलब ये नहीं है कि बाहर का बिच्छू आके आपको काटेगा, बिच्छू जो है वो आपके अंदर है। आपने ग्रज ईर्ष्या ये सब करी, ये आप सब आपने बिच्छू ने जो हमें ही काट रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, जो स्कॉर्पियो साइन जहां है वहां हमें सावधान रहना चाहिए कि उस घर के मैटर में, सपोज फॉर एग्जाम्पल तीसरे घर में आठ नंबर आ जाए, तो इसके मतलब है कि भाई बहनों के प्रति हमें ईर्ष्या ज्यादा नहीं रखनी चाहिए, हमें यहाँ सुधार की आवश्यकता है कि उनके अगेंस्ट जो है ग्रज मत बना करके रखें, नहीं तो हमारे संबंध बहुत खराब होंगे और हम ही परेशान होंगे। तो ये एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी का ये खाली मतलब नहीं है कि ये होगा या ये है, परंतु ये हाउ वी कैन करेक्ट अवर नेचर टू सम एक्सटेंट। अब आता है नाइन नंबर। नाइन नंबर जो है गुरु का स्थान है, देवालय है, गुरु है। गुरु का मेन काम है प्रीचिंग, प्रीचिंग एंड टीचिंग। तो गुरु जो है वो यहां पर जहां भी साइन पड़ता है नौ नंबर, वो समझिए कि आप वहां के मैटर्स में बहुत प्रीच करते हैं, बहुत उपदेश देते हैं वहां। सपोज कर लो कि नौ नंबर दूसरे घर में ये पड़ जाए नौ नंबर, तो इसके मतलब है आप फैमिली एमली के बारे में बहुत ज्यादा प्रीचिंग फैमिली के लिए करने शुरू कर देते हैं। तीसरे हाउस में नौ नंबर पड़ जाए मतलब भाई बहनों को बड़ा उपदेश देते हैं। चौथे में आ जाए घर में बहुत उपदेश देते हैं, और अगर यहां पर पड़ जाए सातवें हाउस में तो मतलब अपने स्पाउस को बहुत उपदेश देते हैं। तो ये एक्चुअली अब ये देखना होता है कि ये उपदेश अच्छा है तो गुड, अगर खराब है तो उसकी एनालिसिस बाद में होती है कि किस तरीके का उपदेश वो आप दे रहे हैं। ये ट्रेवल का भी है, यात्राओं का भी। ये लोग जो है वो लक के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं, मतलब बाहर ही इनकी दृष्टि, देखिए गुरु की दृष्टि बाहर की तरफ ज्यादा होती है। अगर गुरु खुद साधना नहीं करता है तो वो ट्रैप में फंसने के चांसेस उसके होते हैं, क्योंकि साधना करके वो अपने को कनेक्ट करता है, क्योंकि वो कॉस्मोस से, यूनिवर्स से सिग्नल लेता है और अपने को कनेक्ट करता है, क्योंकि सिग्नल तो सारा हमारा जो है वो स्पेस में है, वो वेदों के रूप में। वो जो है सिग्नल वहां से लेगा और फिर जो है प्रीच करेगा तो अच्छा है, और वरना अपना प्रीच करके वो क्या करेगा, कुछ दिनों में खाली हो जाएगा, फिर वही रिपीट करेगा बार बार। तो जो अच्छे टीचर के गुण हैं उसके लिए उसका नौ नंबर और बारह नंबर दोनों ही अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वो इनोवेट करता रहे, लगातार उसमें मॉडिफिकेशंस देता रहे, ये उसका नेचर होना चाहिए। ये नेचर लवर होते हैं। अब गुरु नॉर्मली पुराने जमाने में ऋषि ही समझिए कि बाहर जंगलों में रहते थे, तो अपना जो है जंगलों में निकल गए, तो नेचर से उन्हें लव होता था,
और ये जो है धनुष बाण वगैरह सिखाया करते थे वार, तो आज की डेट में इनको जो है मिसाइल रॉकेट टेक्नोलॉजी अच्छी आती है, तो अगर जिसका प्रोफेशन हाउस में हो गया तो उनको मिसाइल ड्रोन इन टेक्नोलॉजी में उनका इंटरेस्ट बहुत अच्छा होता है। और ये जो है डुअलिटी में फंसे रहते हैं, इसका एक दूसरा रूप है अर्जुन, ये इनको अर्जुन से कंपेयर कर सकते हैं। अर्जुन ने खास गुण ये था कि सब कुछ स्किल थी, परंतु द्वंद में था कि हम अपने लड़े या न लड़े, तो इसलिए इनके लिए कोई एक कृष्ण होना बहुत जरूरी है। जो 9 नंबर वालों को अगर लाइफ में अपने कन्फ्लिक्ट से निकलना है तो इन्हें गुरु की सबसे ज्यादा जरूरत है, इनको जो है गुरु की जरूरत 100% है, तभी ये अपनी लाइफ में प्रोग्रेस अच्छी तरह कर सकते हैं। क्योंकि हर एक को गुरु की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके अंदर का गुरु जो है खुद ही काम कर लेता है। और 10 नंबर जो है ये हमारा जो है वो समझिए कि रानी का सर्वेंट है, शनि का घर है, वो सर्वेंट की तरह है, और ये जो है वो चाहते हैं कि वर्टिकल हम चढ़ते चले जाएं, स्टेटस राइज हो, इनके लिए लगन होती है बहुत ज्यादा। ये कैप्रिकॉर्न का साइन सिंबल होता है गोट, बकरी। अब आपने देखा होगा बकरी पहाड़ों के ऊपर या किसी चट्टान के ऊपर धीरे धीरे चढ़ती गिरती चढ़ती रहती है और आखिर में ऊपर जाके चढ़ जाती है। इसके मतलब है कि दे रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट्स टू रीच द एम, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन्हें सतत प्रयास की आवश्यकता है, एक दो फेलियर हो जाए तो इन्हें निराश नहीं होना चाहिए, बेसिकली ये इनका मकसद है। तो अब अगर सपोज कर लो एजुकेशन हाउस में ये पड़ जाता है 10 नंबर, तो इनके पूरे चांस होते हैं कि एक आध अटेम्प्ट इनके गड़बड़ हो जाते हैं। कंपटीशन हाउस 6ठा जो है वहां पड़ जाए तो ये सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में सक्सेस पाते हैं ये, पर पाते जरूर है सक्सेस फाइनल। तो ये जहां भी हो वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर इन्होंने ऐसे में धैर्य छोड़ दिया तो फिर ये इनका कुछ नहीं हो पाता। और ये पॉलिटिक्स में मोस्टली पॉलिटिशियंस होते हैं, एम्बिशियस होते हैं बहुत ज्यादा। इसके बाद में 11 नंबर जो है वो है कुंभ राशि। कुंभ की राशि में देखिए घड़ा है, घड़े का मुंह है छोटा और नीचे देखिए पेट कितना बड़ा है, यानी एक छोटा सा भी छिद्र होगा तो वहां से जो भी सोर्स है वो ले करके और अपने अंदर समाहित कर लेंगे। इन्हें ये जो है ये एक्चुअली एरी साइन है, ये ज्ञान का साइन है, पूरे ज्ञान ज्ञान को अपने में आत्मसात करने के लिए बहुत अच्छा साइन, थिंकिंग का, मेंटल थिंकिंग का बहुत अच्छा साइन है, जो दूर तक की सोच सकता है। तो 11 साइन जो है वो दूर तक की सोच सकता है। अब जिस घर में ये पड़ जाएगा उस घर के मैटर में वो दूर तक प्लानिंग कर लेता है, जैसे सेकंड हाउस में यानी फैमिली वाले हाउस में ये 11 नंबर पड़ जाए तो इसका मतलब है कि फैमिली के बारे में वो अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है। आज उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा बहुत देर बाद जाकर, तो ये इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। और ये जो है नेटवर्किंग का साइन है, यानी जितने भी पॉलिटिशियन हैं अब ये जो है मोस्टली क्या है कि नेटवर्किंग का मतलब है वन टू मैनी कनेक्शन, यानी एक जो है आपका पॉलिटिशियन है वो सैकड़ों हजारों लोगों से अपने कांटेक्ट बनाता है, तो ये जो है आपके पॉलिटिक्स की फील्ड में इलेक्शंस वगैरह में इनमें काफी सक्सेसफुल होते हैं। और ये जो है 12 साइन है, 12th नंबर, ये है मीन साइन। मीन इसका जो है दो मछलियां हैं अपोजिट डायरेक्शन में और समुद्र में तैरती है। अब इसके मीनिंग ये निकले कि ये हमारा आखिरी साइन है, यानी यहां से हम एग्जिट कर जाएंगे वर्ल्ड को और फिर हमारा नया साइकिल शुरू होगा। तो 12th साइन में मतलब है कि एग्जिट करने का साइन है, और इस साइन तक हम अपने को एक छोटी स्पेस में अपने को क्लोज कर लेते हैं, चाहे वो साधना के लिए हो, चाहे हम बीमार होकर के अस्पताल में पड़े हों, तो ऐसी जगह पर जहां पर हमें कोई नहीं जानता, ऐसी स्थिति में चाहे जेल में हो जहां पर एक जगह पर कैद हो गए,
तो हमारा मूवमेंट बिल्कुल कम हो जाता है, एक क्लोज्ड स्पेस में हम रहते हैं। तो 12 साइन जहां भी है, जैसे सपोज कर लो फोर्थ हाउस में 12 साइन है, फोर्थ हाउस हमारा एजुकेशन का भी है, तो यानी वो आदमी जो है वो अपने घर में ही बैठ करके काम करना चाहता है, वर्क फ्रॉम होम, वो इधर उधर मूव नहीं करना चाहता। अगर उसे जब भी फोर्थ साइन है हमारा बेड है, अगर हम वो बैठेगा तो बेड के ऊपर बैठ करके पढ़े लिखेगा, ये नहीं है कि टेबल चेयर पे बैठ जाए जाकर के, वो जो है वहां पर ही काम करना शुरू करते हैं। और 12 साइन स्पेस है, मतलब है कि बहुत दूर तक, तो वो विचारों में बहुत ज्यादा रहेगा, तो उस दूसरी दुनिया में ही रहता है, तो वो इस तरीके का उसका नेचर हो जाता है। और ये इंट्यूशन इनकी बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि ये एक ऐसे अंतिम छोर पे बैठे हैं, और जहां पर भी अगर उनको सूर्य की लाइट आ गई तो उन्हें आगे का रास्ता दिख जाता है। तो इनके जो है वो मोक्ष प्राप्त करने के या ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छे साधन है। अगर आपका 12 यानी पाइसिस आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि ये साइन है सेल्फलेस सर्विस का, जिसे कहते हैं कि आप जो है वो दूसरों की सेवा, निस्वार्थ सेवा हाँ का ये हाउस है, आप जितनी चाहें निस्वार्थ सेवा इसमें कर सकते हैं। तो ये हाउस उस तरीके का हाउस है जिसके बारे में ये कह सकते हैं कि अब जो है अब इन हाउसेस के जितने भी साइन हैं इनके कई कैरेक्टरिस्टिक हैं, इन सब की आपको मतलब है कि लिस्ट ये है, परंतु इनका आपको यूज जो है, देखिए एक एक साइन के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स किस एंगल से देखते हैं वो सिर्फ मैं ग्लिम्स में बता रहा हूँ, बाकी नहीं। एरिस साइन है, मंगल इसका लॉर्ड है, और ये मूवेबल है, जहां एक साइन होगा वहां आपका मूवमेंट रहेगा, आप एक जगह नहीं बैठेंगे। फायरी है, मतलब एनर्जी आपके अंदर है, फायर है, डायरेक्शन ईस्ट है, अगर आपको किस दिशा में आपको फायदा होना है, तो अगर लक हाउस में एरिस साइन यानी एक नंबर है तो इसके मतलब ईस्ट डायरेक्शन में आपको फायदा होगा। ये मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन फेमिन और ऑन्च इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें जो है वो अपने बच्चों के बारे में देखना होता है कि हमारा जो चाइल्ड है वो मेल होगा या फीमेल होगा या क्या होगा, वहां यूज होता है। ये डे में इसमें पावर है, ये तामसिक नेचर का है, तीन तरह के नेचर आपको पता ही है, तामसिक राजसिक और सात्विक, तो ये तामसिक नेचर का है, और ये बैरन है। अगर ये फिफ्थ हाउस में फीमेल के पड़ जाए तो वहां पर संतान उत्पत्ति बहुत मुश्किल होती है। इनका कलर लाल होता है, ये सिर को डिनोट करते हैं, सिर के पार्ट को डिनोट करते हैं, तो उससे क्या है कि और इनको आदत है ऑर्डर देने की, तो ये इनके ट्रेट्स हैं, हर एक साइन के ट्रेट्स दिए हुए हैं, तो इनका एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंट एस्पेक्ट में इनका यूज होता है, कि अगर हमें किसी के बच्चे देखना है कि बच्चे पॉसिबिलिटी है कि नहीं खासतौर से फीमेल के, तो हम ये देखते हैं कि ये साइन बैरन है, फिफ्थ हाउस हमारा जो है वो प्रोडक्टिविटी का हाउस है, अगर वहां पर ये बैरन साइन है तो एक पॉइंट तो निगेटिव हो गया कि यहाँ पर जो है वो जमीन बंजर है, यहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबल कम है, फिर देखते हैं कि वहां कोई फर्टिलाइजर वगैरह पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता, तो फर्टिलाइजर क्या है हमारा मून है, अगर मून वहां आ जाता है तो वो फर्टिलाइजर उसमें पड़ करके काम हो सकता है, तो ये सारी पॉसिबिलिटी कितने हो सकता है क्या, ये सब एस्ट्रोलॉजी इन पॉइंट्स को मेटीरियल एस्पेक्ट एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ये सब चीजों को वो इसमें से निकाल करके लाता है। तो ये आपका टोटल आपके साइन के बारे में डिटेल्स रहे। तो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? इसको मेरे ख्याल से हटा लेते हैं, फिर देख लेते हैं कोई अपना क्वेश्चन। हाँ ये ठीक है।
इसके बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आई एम चलिए हियर। हाँ इसकी स्क्रीन हटा लें सर, स्क्रीन को हाँ स्क्रीन हटा लेते हैं, ये जो आपकी स्क्रीन, जो चलिए, आपकी स्क्रीन शो हो रही है ना, इसको ठीक ये मैंने हटा दिया स्टॉप। है। अब सभी लोग अनम्यूट हैं, किसी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बहुत टेक्निकल है ये भी। सर टेक्निकल तो है ही है। हाँ एक्चुअली क्या है कि अब इतना मैं इतना समझ समझ समझना पड़ता है दिमाग, भाई इट इज ऑल्सो रियली अभी आर्ट है या ज्ञान है, सब कुछ है, आर्ट एक भी है, साइंस भी है, गुरु का आर्ट एक भी शब्द है। लिखा था स्कॉर्पियो के आगे, मैं पढ़ जी नहीं पाया, झटका। जे हाँ, झटका मीन्स जर्क, जो घटनाएं होती हैं वो सडन होती हैं, जिनमें इमरजेंसी की जरूरत होती है। अच्छा, वो झटका मैं सोच रहा था हाँ क्या झटका लिखा क्या मतलब है। है इमरजेंसी की जरूरत है, सडन। अब ये जैसे सपोज कर लो कि 10th हाउस जो प्रोफेशन का है वहां पर 8 नंबर आए, तो वो प्रोफेशन उसका ऐसा होगा जिसमें जो है इमीडिएट कॉल होगी या इमरजेंसी ड्यूटीज उसकी होंगी, हॉस्पिटल्स में हो सकता है या उसमें रिलेटेड हो सकता है, या किसी फायर फाइटिंग में हो सकता है, या जो है आप आजकल जो है वो कोई इमरजेंसी ड्यूटीज बेसिकली समझिए यूज किया। कमांडो कमांडो हो गया, हाँ कमांडो, जितने भी है पोर्टफोलियो। अब झटका आपका शब्द प्रोफेशन क्या है हारमोनिया वो से डिसाइड झटका करना लिखा अलग चीज था। है, परंतु जो नेचर ऑफ वर्क होगा, देखिए एक साइंस से एक पैरामीटर पता चलता है। डिजास्टर मैनेजमेंट, हाँ यस यस, यू आर वेरी राइट, डिजास्टर। तो एक एक पैरामीटर पता चलता है, उसके वर्क का नेचर ये होगा, वो ही वर्क मेरे क्या पास है। होगा उसके लिए दूसरे हैं प्लेनेट बताएंगे, और वो उसका वर्क कब होगा उसके लिए दशाएं बताएंगी। मतलब 9 पैरामीटर हैं जो डिसाइड करके आपके सामने जो है वो खाने का थाल पूरा सजा करके, रोटी सब्जी दाल ये सारी चीजें लगा करके तब बता पाएंगे वो कि ये चीज है एक्चुअली। तो जन्म प्रतिष्ठा में कर देंगे। यही तो वजह है सर कि एक हॉरोस्कोप के लिए पूरा जो है एक दिन खपता है, एक दिन खपता है। और हम नहीं जानते कि जो टीवी पे बैठ करके 5 मिनट में लैपटॉप पे सब कुछ बता देते हैं, वो क्या बता देते हैं उनकी, या तो वो उनमें भाई आत्म होगी अध्या शक्ति पर ही तो वही कर सकते हैं, क्योंकि इतने सालों 50 साल से ऊपर हो गए इस वर्क को करते करते, तो मैं तो इसी निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ। बाकी दुनिया में तो लोग आए ये एक से एक है, उसमें कमी थोड़ी है। बहुत अच्छा, ये कुल जैसे आपने 12 घर बताए, जैसे दुल्हा जैसे होता है, तो यानी कि वो जो घर है जिस हाउस में बैठेगा उसका वो इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। हाँ देखिए ऐसा है कि 12 घर हाउस जो है अलग है और साइन अलग है। हाउस का मतलब है कि हाउस जो है उसमें साइन का नंबर है वो हर 2-2 घंटे पे बदलता रहता है, मतलब 12 घर में 12 साइन अगर हमें लगाने हैं तो 12 × 12 144 कॉम्बिनेशन हो गए। सपोज कर लो कि सेकंड हाउस है, तो सेकंड हाउस में 1 नंबर भी हो सकता है, 2 नंबर भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, ऐसे ही हर हाउस में नंबर चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द बर्थ टाइम। अब अगर उनके ट्रेट्स अलग अलग हो जाएंगे, अब अगर सपोज कर लो फॉर एग्जाम्पल हम बच्चे की ही वो देखना चाहें कि मतलब उसके स्टडी के बारे में देखना चाहें खाली, सिर्फ और कुछ ज्यादा नहीं, कि उसकी प्राइमरी स्टडी हर एक की जो है घर से ही शुरू होती है बच्चे की, क्योंकि दूसरा है हाउस होता है वो प्राइमरी एजुकेशन का होता है, फैमिली के माँ बाप ही उसको जो है अपनी लैंग्वेज मदर टंग सिखाते हैं वहां से। अब अगर सपोज कर लो कि दूसरे हाउस में 1 नंबर है, तो बच्चा बहुत तेजी से सीखेगा, एग्रेसिव है, एनर्जी है उसके अंदर, एरिस साइन है, मेष राशि है। वहीं पर अगर 2 नंबर आ जाए तो वो बहुत स्लोली काम सीखना शुरू करेगा, 3 नंबर आ जाए तो बेचैन होकर इधर उधर उधर डूलते डूलते ही सीखेगा, 4th नंबर आ जाए तो माँ के साथ लगा रहेगा, इमोशनल होकर के सीखेगा। अगर उसको टैकल करना है तो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करो थोड़ा, तो वो बच्चा आकर के पढ़ने लगेगा। 5 होगा तो वो कमांड देगा, मेरी बात सुनो मैं नहीं आपकी बात मानता। 6 नंबर आ जाए सेकंड हाउस में, तो वो कंफ्यूज सा रहेगा, ये करूं या ये करूं या ये करूं या ये करूं। 7 हो जाएगा,
तो वो जो है इधर उधर भागना शुरू कर देता है। 8 नंबर हो जाएगा तो वो बहुत डीपली चीजों को पकड़ना शुरू करेगा। आपने उससे समझाया उस पर ऐसी क्वेरी डालेगा जिसे आप भी ना बता पाए। 9 नंबर होगा तो वो खुद उपदेश देगा, नहीं भैया ऐसे होगा ऐसे। तो ये सब बच्चे की साइकोलॉजी पढ़ना, अपनी साइकोलॉजी जानना, अपने परिवार की जानना, ये सब सारे नेचर है। मतलब हमें एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो उस तरीके से नहीं कि एक परिवार आया तो उसका कहने बच्चा मेरा पढ़ता नहीं और 5 मिनट बैठता है भाग जाता है इधर उधर। वो मैं उससे कहती हूँ कि तुम 1 घंटे बैठ के पढ़ो। तो पहले तो मैंने उनके पेरेंट्स से कहा, मैंने कहा आप कैसे जज कर रही हैं कि वो 1 घंटे बैठ के पढ़े, आपका क्या लॉजिक है कि 1 घंटे बैठ के पढ़े, पर्पज आपका क्या है कि वो पढ़े, यही है ना, कैसे पढ़े, 1 घंटे बैठे या 5 मिनट बैठे वो अलग बात है। मैं उसका हॉरोस्कोप देखा, देखा कि जेमिनी साइन है उसका, एजुकेशन हाउस। मैंने कहा कि ये कभी भी एक जगह बैठ के पढ़ेगा नहीं, इसको एक कमरा दे दीजिए और उसके साथ में एक जो है कुछ और चीज दे दीजिए खेलने के लिए। वो जो है दो दो काम एक साथ करेगा, क्योंकि जेमिनी साइन है, ड्यूअलिटी है, वो दो काम एक साथ करेगा और तभी वो जो है सक्सेस पाएगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो 2 साल से नहीं पढ़ रहा था कुछ भी, इस प्रैक्टिस के बाद में ही टॉप द क्लास। मैंने कहा आप बस एक कंडीशन रखिएगा कि आप इंटरफियर मत करिएगा, रिजल्ट की चिंता मत करिएगा, जो आप सोचते हैं कि हम किसी पे थोप दें, हर एक अपना अपना लेकर के आया है, अपना उत्पात हर एक का अलग है, आप पुल साहब, थोप। पहले पहले तो कंप्यूटर नहीं होते थे तो जी वो इंटरप्रिटेशन अपनी ज्ञान से करते थे। आजकल तो आप कंप्यूटर में डाल देते हैं, उसी से निकालते हैं क्या सब। नहीं, सवाल ही नहीं है कंप्यूटर से। अच्छा ठीक है सर, हमने तो काम तब शुरू किया था, 67 से हूं मैं इस फील्ड में, जब मैं हाई स्कूल में था, अच्छा 10th में। आई नहीं कुछ था। हाँ, ना तो कंप्यूटर थे, ना सॉफ्टवेयर थे, ना कुछ थे, मैन्युअली बनाते थे। 3 दिन लगते थे एक बार उसको बनाने में, हाँ तीन बिल्कुल, दिन मैं याद हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और वो इतनी बड़ी रोल हो करके किलोमीटरों में लंबी होती थी, लाल पत्रिका। लाल ला, ला, लाल लाल और ये पीला हरा के कुछ बनाते थे। पुलिस जैसे आजकल ये लैपटॉप में आ जाता है, अपना डालिएगा नहीं, जैसे। लैपटॉप में सिर्फ कैलकुलेशन आती है। नहीं, जैसे मैंने अभी आप अपना प्रेडिक्शन अगर सॉफ्टवेयर से करेंगे तो वो सही नहीं। नहीं जैसे मैंने अभी अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली तो मैंने देख रहा हाँ हूँ, मैं 7th हाउस में लगन में वो है, मतलब 7th हाउस में आया नंबर, तुला आया, मतलब मून, 7th हाउस में मून है, मतलब 1st हाउस में, पहले हाउस में, फर्स्ट पहले हाउस में मून है, तो और मून उसमें का तुला 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 राशि, तुला राशि है मेरी, मुझे राशि है। मालूम ही है मुझे तुला राशि एक्चुअली। हाँ तो देखिए ऐसा है कि उसके इंटरप्रिटेशन तो अलग है, तो ये अभी ये आप जो बता तुला। रहे थे ना इंटरप्रिटेशन, वो काफी रिजेंबल कर रहे जब आपने बताया तुला का। देखिए ऐसा है कि आप लॉजिक से सुनिएगा, क्योंकि खाली एक, अब अभी तो आपने सिर्फ ये देखा कि हाउस में एक साइन है, उसके बाद तीसरा वेक्टर आता है कि उस साइन का जो उस लॉर्ड है, यानी लिब्रा जैसे आपका है तुला है, उसका लॉर्ड शुक्र है। हाउस का मैनेजर कौन है? उसका लॉर्ड शुक्र कहाँ है? अगर वो शुक्र पीड़ित है, कहीं परेशान घूम रहा है, अपने घर को नहीं देख पा रहा है, तो आपका घर तो कोई किराएदार ले गया। तो ये चीजें, और उसके बाद ये होता है कि उसको देख कौन कौन से रहे हैं प्लैनेट, कई इस वीनस तरह के करीबन सात वो आठ फोर्थ और हाउस में, सात। फोर्थ हाउस में वीनस के में। हाँ नहीं, वो मतलब है अभी ये वो नहीं कह रहा हूँ कि मतलब है, कई फैक्टर होते हैं जो जी डिसाइड जी करते हैं, और इनको हम कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रिडिक्शन नहीं ले सकते। अच्छा जी कोहली साहब, कंप्यूटर से जो बनाते हैं ये हॉरोस्कोप, जी एक साथी थे मेरे, कैलकुलेट करते थे, उन्होंने ये कहा ज्योतिष में थे कि वो उसमें भी गलती होती है। यस, उसमें आयनांश का फर्क होता है। हाँ, वो कहते जहां पर किनारे पे मामला है वहां हाँ पर उन्होंने एक दो उदाहरण ऐसे बिल्कुल बताए कि बिल्कुल सर, वो एक्चुअली जब एक राज जन्म लग्न है 29 डिग्री 30 डिग्री तक होता है, 29 डिग्री या 1 डिग्री आएगा इसके मतलब ड्यूअलिटी फंसी हुई है। अगर टाइम बर्थ टाइम में 1-2 मिनट का भी फर्क है तो पहली चीज होती है कि हम तो ये चेक करते हैं कि बर्थ टाइम एक्यूरेट है या नहीं, पहली चीज। उससे जो है कई मेथड होते हैं, एक तो हम उसका जो है कहते हैं षष्ठ्यांश, मतलब है 60th पार्ट निकालते हैं जिसमें 15 सेकंड तक एक्यूरेसी आ जाती है बर्थ टाइम की।
उससे ये पता चल जाता है कि उसके कितने भाई बहन हैं, उसके जो है फादर कैसे हैं, उनके नेचर कैसे हैं, परिवार के बारे में वो काफी आ जाए। देखिए ऐसा है कि ये हमारा एक फैमिली लिनेज होता है, उस कंडीशन में आपके परिवार के फादर की हो या मदर की हो और बच्चे की है, ये कुंडलियां साथ में हो तो आप एक्यूरेटली जो है टाइम ऑफ बर्थ टाइम उसका काफी हद तक सही कर लेंगे। ये करेक्शन जरूरी। जब बीच का सेक्शन आता है तो वहां पर उतना फर्क नहीं पड़ता, परंतु जहां पर जस्ट जंक्शन पॉइंट है वहां डेफिनेटली फर्क पड़ता है। ये बात भी उन्होंने बिल्कुल सही कही है, इसमें कोई शक नहीं, सही कहा। नायब साहब को नींद आगने अरे वो कोई नहीं, ऐसा है लगी। ना, वो आई जाती है। अच्छा ये जो काल सब योग मीन बोलते हैं से पूरी सबके, बात सुन रहा हूँ मैं, बल्कि पूछना चाह रहा था कि जैसे वो एक बार मैंने भी शायद बात पूछा था कि जैसे ये सारे आपने सन साइन बताए, ये चंद्र राशि के हिसाब से होंगे जो हाँ ऐसे अब आइए कुंडली इसको, बनती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए वैसे अखबारों में जो निकलता है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से निकलता है, नहीं वो नहीं साइन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं ये सर। सर सनसाइन से नहीं, ये जनरल ट्रेट है। इसमें हमें तीन चीजें फिर एनालाइज करनी पड़ती हैं कि हमारा असेंडेंट किस साइन में है, यानी लग्न किस साइन में है, वो हमारी बॉडी को या फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा। फिर देखते हैं मून किस साइन में है, वो हमारे मेंटल स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, और सन किस साइन में है, वो हमारी आत्मा, यानी हमें आया मिला क्या है वहां से, सोल ने हमें क्या डायरेक्शन दी है वो है। क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन बॉडी माइंड सोल तीनों होना चाहिए। अगर सोल ने जो सिग्नल दिया है उसको माइंड ने रिफ्लेक्ट किया और बॉडी ने उसको एक्सेप्ट किया, अगर उनमें हार्मोनी है तब तो हमारा सही रहे। हो सकता है किसी का, देखिए लग्न जो है वो सपोज कर लीजिए कि लियो साइन में, ठीक है, तो इसके मतलब है उसके बॉडी से उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो एक किंग की तरह होगा। और अगर जो है उसका मून जो है वो कैंसर साइन में हो गया, तो अंदर से वो मातृ रूप में है, अंदर से वो मातृ रूप में है, तो ये फर्क है। हमें तीनों इसीलिए एक हॉरोस्कोप से एक से नहीं रिजल्ट निकलते हैं, जो प्रिडिक्शंस के लिए तीन हॉरोस्कोप होते हैं, जन्म लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न, इन्हें तीनों को मिलाकर के कहते हैं सुदर्शन चक्र। ये सुदर्शन चक्र पहले बनाया जाता है, उसमें देखा जाता है कि हम माइंड, हम बॉडी हमारी कुछ कहती है, माइंड कुछ कहता है, तो हमें देखना पड़ता है ये कोऑर्डिनेशन है कि नहीं। इसके बाद में आगे आता है कि इनके नक्षत्र कहाँ कहाँ है, जो इसके बाद माइन्यूट में, तो माइन्यूट में न जाएं तो हम कम से कम तीन चक्र को तो जरूरी जानना चाहिए कि हम बाहर से क्या दिखते हैं और अंदर क्या है। ये चीज जो है विष कुंभम पयो मुखम तो नहीं है कहीं, वो हमें देखना पड़ता है कि ये इंसान ऊपर से तो बड़ा अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, अंदर इसके क्या भरा हुआ है। तो ये भी जो है हमें दूसरों की साइकोलॉजी आगे पढ़ने के लिए, अपनी पढ़ने के लिए भी हमें जानना जरूरी होता है, ये तीन चीजें जरूरी। तो ये इसीलिए तो पूरा एक दिन खपता है इसमें। अच्छा एक एक और प्रश्न है, पिछली बार भी शायद पर ये सब एक साधारण मनुष्य को इसके बारे में जानना जरूरी है भाई, ये अपने जन्म पत्री के बारे में, अपने गुणों के बारे में, और ये आदमी को कैसे देखिए ऐसा है कि जीवन में कैसे हेल्प कर सकता है, कैसे गाइड कर सकता है। नहीं, हेल्प तो हमारे, देखिए ऐसा है, सपोज कर लीजिए कि हमारा चंद्रमा जो है, ठीक है, एक मैं एग्जाम्पल देता हूं नहीं हमें तो हमारा, पता नहीं चंद्रमा खराब है या जो खराब हो, तो नहीं, सोलर खराब और अच्छे की बात नहीं सोलर कर रहा हूं, नहीं खराब अच्छे की बात नहीं कर रहा हूं, आप पूरी बात सुन लीजिए पहले। हमारा सपोज कर लो कि चंद्रमा मिथुन राशि में है, मिथुन राशि बुध की राशि है, वहां पर उसमें द्वंद मचा रहेगा, उद्विग्नता है। अब सवाल यह है कि हम, हमारा ये माइंड जो है बेसिक स्ट्रक्चर बन के आया है, अब हम इसको कैसे सुधार सकते हैं। हमें पता चले कि हमारा माइंड हमेशा उद्विग्न रहता है, ये रहता है, तो अब हमें इसकी रेमेडी क्या है। रेमेडी ये है कि चंद्रमा का जो मिथुन राशि में है उसमें तीन नक्षत्र आ जाते हैं, आर्द्रा आ जाता है नक्षत्र, अगर वो आर्द्रा नक्षत्र में है, मतलब और माइन्यूट जाए चंद्रमा की डिग्री को लेकर के, तो यानी आर्द्रा नक्षत्र क्या है, वो राहु का नक्षत्र है, शिव का कोप है, शिव का कोप है, राहु का नक्षत्र है, यानी एक मस्तिष्क में पूर्व जन्मों से एक पैशन आपको बहुत परेशान कर रही है, जिसकी वजह से आपकी उद्विग्नता बढ़ती चली जा रही है। अब उस पैशन को शांत करने के लिए
हमें जो टेक्निक जो सबसे अच्छी लगी कि उस आर्द्रा नक्षत्र के जो बीज मंत्र है उसका जप करना, ये सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव और सबसे ज्यादा सेफ है। हम मैं नहीं नगरों की बात नहीं करता कभी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ये इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपके पास एक हेल्थ के लिए, आपकी हाँ शरीर के लिए एक डॉक्टर है, तो हाँ हमारे पास एक परामर्श के लिए एस्ट्रोलॉजर भी जीवन में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, कायदे से होना हाँ, चाहिए। पर यह है कि देखिए सबकी रुचि है ना ये ये। बिलीव नहीं है, पर हाँ जैसे मुझे बिलीव नहीं है बिल्कुल। मैं तो मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास देखिए आत्मा है, ये है, जो भी आप करिए आप। देखिए लेकिन बात यह है कि इस लॉजिक से तो यही है, क्योंकि गाइडेंस तो हम सब कुछ तो जानते नहीं अपने बारे में भी, गाइडेंस लेकिन तो आप अपने आप में भी लेते हैं, अपने आप से भी लेते हैं, और नहीं आप अपने आप से सेटिस्फाइड होते हैं तो फिर कहीं और से भी लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल जैसे हेल्थ का है थोड़ा बहुत इलाज आदमी खुद कर लेता है, बाकी जब डॉक्टर के पास तो जाना पड़ता है। वैसे ही मैं आपके जो आर्गुमेंट से लगता है, लॉजिक से लगता है कि जीवन में ऐसे जैसे ऐसे ही महाराजा राजाओं के होते थे दरबार में, देखिए इसलिए होते वो जो लोग उनको देखते थे भाई। लिए गाइडेंस मिलनी जरूरी थी, नहीं तो वह भूल भूल हो सकती थी, गलत रास्ते पर जा सकते थे। देखिए देखिए ऐसा है कि मैं एस्ट्रोलॉजी को फैटलिस्टिक नहीं मानता। ये हाँ जो है ये आपकी एस्ट्रोलॉजी जो है वो चेंज ला सकती है, पहले लेक्चर में ही मैंने बताया, और वो 30% तक आप चेंज ला सकते हैं अपने लाइफ में, नो डाउट। मतलब है कि ये कोई एग्जैक्ट पैमाना नहीं कि 30%, पर रफली जो है वो हाउसेस को और उनको देख करके ये रफ आइडिया है कि आप चेंज ला सकते हैं। फिर आपका चेंज कितना ला सकते हैं वो आपकी एडॉप्टेबिलिटी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना है। और खुद देखिए कोई चीज ऐसी होती है जो आप सपोज कर लीजिए कि आपने कोई आटा ही रख दिया, वो कड़ा होकर के पड़ा हुआ है, आप चपाती तो नहीं बना पाएंगे ना उससे। आप थोड़ा सा उसमें पानी मिलाएंगे और मिला करके उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, ये करेंगे, तो आप कितना एफर्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से आप नहीं, देख सकते। इसमें एक और, जैसा जैसे सीता है वो, जैसे राम है, इन सब का जो उत्पत्ति हुई है, ये सब शादियां हुई है, सब ग्रह देख के हुई है, बे हाँ कब इसको राम को पैदा होना है, नहीं कभी हो, नहीं के बावजूद भी ये सब हुआ है। उनका मकसद दूसरा था, वो अच्छा, एक्चुअली उनका मकसद मुझे तो नहीं, वो दूसरा वाला ही था, उनका कारण उत्पत्ति का दूसरा ही था। उन्होंने ये दिखाना था कि अगर जो है वो हमने जो जन्म दिया है, हमने मर्यादा भी, राम ने जैसे मर्यादा भी रखी है, सब कुछ रखी, चाहे थे तो एक ही दिन में रावण को बाहर निकाल के छुट्टी कर देते, परंतु उन्होंने ये एक लेसन देना था पब्लिक को कि हाँ ये सोसाइटी को कि ये ऐसा ऐसा करना है, इस तरीके की सोसाइटी आगे चलती रहे कि वो गड़बड़ ना करे ज्यादा, तो इसलिए उनका पर्पज दूसरा था। हम मैं उन डेस्टिनी वर्सेस करेक्शन की बात कर रहा था। हाँ हाँ डेस्टिनी वर्सेस करेक्शन ह्यूमंस के लिए है, क्योंकि ह्यूमंस एरर कर रहे हैं, वो जो है वो नोइंगली कर रहे हैं, उन्होंने अवतार लिया है, वो जो है ऐसे वो लोग जो प्लेनेट से नहीं बने हुए हैं, चलिए वो साहब, जो है प्लेनेट्स, उनकी बॉडी प्लेनेट से बनी हो सकती है, परंतु वो जो चाहे प्लेनेट से दूर हो सकते हैं, उनको कोई प्लेनेट बाइंड नहीं कर सकता। क्योंकि शिव को देखिए एक बड़ी कोशिश की थी भृगु के शिष्य ने, जब पता लगाने के लिए कि कहाँ पर है शिव, और वो जो है बताने लगे, तो वो जो है शिव एक ऐसे फॉरेस्ट में पहुंच गए और जहां पर से उनके ग्रहों को कोई कुछ नहीं कर सकता था। तो वो जो एक्चुअली क्या है कि ये चीज जो है उन लोगों की बात दूसरी है, उनके ऊपर बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं चलता कुछ, ठीक, उन्होंने ही तो बनाए हैं। हाँ एग्जैक्टली भाई उनके ही तो उससे बने हैं सब भाई, प्रलय हो जाएगी, सब सिमट जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, फिर विस्फोट होगा, मटेरियल होगा, एनर्जी तो मास कन्वर्जन हो रहा है, फिर मास पूरा इतना एक्सपेंड कर गया, फिर जो है एनर्जी में ले आएंगे, यही एक्सपेंशन है वही यूनिवर्स का, और क्या। चलिए चलिए साहब, आदरणीय आर्यन पांडे साहब, दो सब धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद श्री शर्मा जी, आज फिर पहले की तरह से जिज्ञासा भरा और रुचिकर वक्तव्य श्री कोहली जी का रहा। कोहली जी तो बहुत ज्ञानी है, लेकिन हम जैसे लोगों के बीच में भी उन्होंने रुचि जगाई है इसकी, बहुत अच्छा लगता है। तरह तरह की चीज ये समझ में आता है कि कितना परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, मैथमेटिक्स के जो लोग हैं वो अगर देखें, जब चार चीजें आप बताते हैं हाउस साइन प्लेट्स और नक्षत्र, और उसके बाद भी उनके अंश और उनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद कहीं कोई इसको बता सकता है,
मेरे मतलब की बात जो मुझे समझ में आई वो है शिव और शक्ति। मैं सौंदर्य लहरी पे चूंकि बोल रहा हूं इस समय, तो कितने काम की बात लगती है देव ऋषि जी। मूल बात जब ये कहा इन्होंने कि सन और मून का खेल है शिव और शक्ति का, सूर्य और चंद्रमा का मामला है, और इसी को उन्होंने कहा शिव और शक्ति। अब वहीं से लेके चले कि लियो और कैंसर के बारे में बताया पांचवें और चौथे घर में, तो ये ज्योतिष के रूप में आ गया। एक तो बात मुझे ये समझ में आई, इसी को हम जब आध्यात्म रूप में व्याख्या करते हैं तो चित और आनंद की बात करते हैं। चित कहते हैं वो शिव है, और आनंद जो है शक्ति है। वो उसी की व्याख्या करके आपने जो घर दोनों इस तरफ और इस तरफ करके सब उन्होंने निकाले कि शिव और शक्ति के ऊपर ही सब आधारित है। एक बात तो ये मूल में है। दूसरी बात नाद योग की बात जो अभी भी बाद में कही कि मंत्र जो है बहुत प्रभावशाली है, तो मेरी और पुष्टि इस बात से हुई कि जो भी शास्त्र लोगों ने या और में जो मंत्र निकाले गए हैं वो बहुत साइंटिफिक और सोच समझ के तरीके से हैं, उनकी ध्वनि से और नाद से बहुत असर होता है। तीसरी बात और जो लगी, जो बात आपने कही कि शरीर के बारे में, उनका जब शरीर ऊपर सिर पे ये है और ये अलग है और वक्षस्थल पे अलग है, पैर पे अलग है, एक चार्ट दिया था उसमें भी शरीर के अंग थे, तो क्या निकला कि जो बात हम कहते हैं यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो शरीर है और जो ब्रह्मांड है उसमें बिल्कुल रिजेम्बलेंस भगवान ने बनाई किसी तरह से, और हमारे रिसर्च करने वालों ने ऋषि मुनियों ने इसमें सोच समझ के इतना व्याख्या की, ये ज्योतिष का विज्ञान निकाला। एक बात बहुत अच्छी कही गोली साहब ने कि 30% तक जब गीता में कहते हैं दैवम चैवात्र पंचमम, पांचवा हिस्सा बताया 20%, गोली साहब ने बहुत अच्छी बात की 30% तक हम इसमें बहुत सुधार कर सकते हैं। और ये बात तो है ही कि आप स्वभाव के बारे में जानते हैं, जब आपके यहाँ जो बाधाएं आने वाली हैं उसके बारे में जानते हैं, तो उनके समाधान करके यदि आप उसी दिशा में जिस दिशा में आपका भाग्य कह रहा है जो लिखा हुआ है स्वभाव है, और जो ऊपर से बात कही कि बॉडी माइंड और सोल, बहुत अच्छी बात है, पूरा अध्यात्म इसी पे आधारित है कि बॉडी माइंड और सोल में जब तक संतुलन नहीं होगा तब तक आप सफलता या शांति प्राप्त नहीं कर सकते। और हमें जब हॉर्टिकल्चर की बात बता रहे थे तो मुझे इनकी याद आई देव ऋषि जी की कि वर्गों के बारे में बताया कि वो हॉर्टिकल्चर में बहुत अच्छे होंगे, तो हमारे देव ऋषि जी तो हॉर्टिकल्चर में बहुत अच्छे हैं, ऐसा ही कोई ग्रह पड़ा होगा। मैं लियो में हूँ, लियो है। लेकिन एक्सपर्ट होने में जैसे आप कोहली साहब ने तो 67 से बता रहे हैं, पूरी लाइफ एक लगा देते हैं तभी आप हो सकते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है, हम लोगों के भी थोड़ा सा रुचि बढ़ती है। तो आप जैसे ज्ञानियों के पास जो लोग आते होंगे नेचुरली लाभ मिलता होगा, आप जैसे लोग जो विशेषज्ञ जैसे डॉक्टर एमएस होता है किसी खास लाइन में विशेषज्ञ होता है वो लाभ देता है मानव को, इसी तरह से आप लोग जो पढ़े लिखे जागरूक होके जो पहले जैसे ये नहीं कि आपको पैसा बनाना है बेवकूफ बनाना है, आप साइंटिफिक तरीके से उसको पढ़ा है आपने, और ये हमारा सौभाग्य है। अरविंद शर्मा जी को फिर हम आभार कहेंगे कि इस स्वाध्याय मंचन चिंतन मंच पे आप जैसे को लाए, आप समय देते हैं, तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी आप हमारा ज्ञान इसी तरह से बढ़ाते रहे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आदरणीय श्री आर्यन पांडे साहब, धन्यवाद आदरणीय श्याम कोहली जी, आपने समय निकाल के समय दिया, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि सभी लोगों ने अपना समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं, आज जो है दो विचार हैं छोटे छोटे से, एक एक लाइन के, लंबे विचार नहीं, आज ध्यान से सुनना, एक ही लाइन के विचार हैं, ध्यान से सुनना, कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर से निकल जाए तो बहुत ज्यादा। नहीं नहीं बाबा कर, अच्छा लगा तो बाबा करेंगे। चलिए साहब, अब वो भी आ गए, अपना कौन सा भी आ गए। पहला विचार, बार बार लज्जित होने से अच्छा है, बार बार लज्जित होने से अच्छा है सामने वाले के इनकार के इशारे को पहली बार में समझ लिया जाए। वाह बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, समझदार को इशारा काफी है, समझदार को इशारा, सामने वाले के इनकार को इशारे को पहली बार समझ लिया। और दूसरा जो पहली लाइन में, जब आपके शब्द अपना प्रभाव खो देते हैं तब आपका मौन उनका सम्मान वापस लाता है। तब आपका उनका सम्मान वापस लाता है। प्रॉब्लम सर ये है कि इसमें जब सामने वाला मौन होता है आप कह रहे हो सो रहा,
जैसे आज अब छुपाना, नायब साहब को मैं सो नहीं रहा था। नहीं शर्मा जी की और दूसरों सुनिए, पे वो गलती सोना आप तो आंखों से, है। नहीं जो आप तो आंखों वाली बात हुआ ना, सोना तो अगर सोना बहुत तो आंखों से हुआ, मौन तो मुख से हुआ। बहुत मेडिसिन खा के अच्छा बैठा हुआ था बहुत जैसे अच्छा कि शरीरों की क्षमताएं हैं, लिमिटेशंस हाँ हैं, बिल्कुल आइए वो आइए और इस उम्र में हम सबकी है खासतौर से। चल जाओ। शांति शांति सभी शांति, सबको प्रणाम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। को शांति।